दोस्तों आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। दोस्तों क्या आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं? दोस्तों क्या आपको पता है भगवान शिव जी की पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों क्या आपको पता है भगवान शिव की पूजा से कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं? दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियाँ आपको देने वाले हैं, बस बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे आपको अपने इस चैनल लखनऊ टेंपल जोन पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे गुरुदेव की बातें आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों भगवान शिव के लिए ना ही कोई देव है और ना ही कोई दानव, ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, और ना ही कोई अधिक प्रिय है और ना ही कोई कम। भगवान शिव सबको समान रूप से देखते हैं। दोस्तों ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, निरंतर उनका नाम लेते हैं, तो ये पांच महाशक्तियाँ हमेशा आपका साथ देती हैं। दोस्तों पांच ऐसे देवता हैं जो भगवान शिव के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आइए जानते हैं वो पांच महाशक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहली शक्ति काल भैरव। दोस्तों काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और काल भैरव का रूप काल से भी परे है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव हैं। दोस्तों भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच के अधिपति हैं, यानी कि राजा हैं, और कोई इनकी आज्ञा के बिना भगवान शिव के भक्तों का अहित नहीं कर सकती, और भगवान शिव के भक्तों की रक्षा काल भैरव ही करते हैं। दूसरी शक्ति नंदी जी। दोस्तों नंदी जी भगवान शिव के बेहद करीब रहते हैं और शिव जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों नंदी जी की शक्ति असीम शक्तियां मानी गई हैं। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि नंदी जी देवों के देव महादेव को अपने कंधे पर उठा सकते हैं। दोस्तों जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा और निरंतर शिव जी का जाप करता है, तो स्वयं नंदी जी उस भक्त का रक्षण करते हैं और भगवान शिव जी के भक्तों को मुसीबत से बाहर निकालते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, नंदी जी ही भगवान शिव जी के भक्तों की प्रार्थना शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसी कारण भगवान भोलेनाथ के भक्त अपनी प्रार्थना नंदी जी के कानों में कहते हैं, जिससे उनकी प्रार्थना शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ तक पहुंच सके। तीसरी शक्ति वीरभद्र। दोस्तों भगवान शिव के जटाओं से जन्मे वीरभद्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था और राजा दक्ष भी वीरभद्र के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए थे और वीरभद्र ने ही राजा दक्ष का वध किया था। दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने से भक्त पर स्वयं वीरभद्र जी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को कोई भी बुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। चौथी शक्ति हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी के आगे संकट भय और चिंता कभी टिक ही नहीं सकती। इस कलयुग के समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है, वो हनुमान जी ही हैं। जिस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के संकटों को दूर करते हैं, उसी तरह जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उनके संकट स्वयं हनुमान जी ही दूर करते हैं और भक्त के जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भक्त निडर और मजबूत होने लगता है। दोस्तों जो पांचवी महाशक्ति है, उनका तो केवल नाम ही ले लेने से जीवन सफल हो जाता है, वो है प्रभु श्री राम। दोस्तों प्रभु श्री राम भगवान शिव जी के इष्ट हैं और शिव जी सदा प्रभु श्री राम जी के ही नाम का जाप करते हैं। इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के इष्ट भगवान शिव हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण जो भी भक्त भगवान शिव जी की पूजा करता है, तो अपने इष्ट की पूजा से प्रभु श्री राम बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री राम जी के मंत्रों का उच्चारण करता है, तो भगवान शिव और प्रभु श्री राम दोनों ही भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों ये थे वो पांच महाशक्तियाँ जो भगवान शिव जी की पूजा से हमें प्राप्त होती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो पर। आप सब दोस्तों का धन्यवाद।